हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं बाबू भाई की डगजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने फ़ोन से यूट्यूब चैनल को डिलीट कैसे करें। जी हाँ, अपने फ़ोन से यूट्यूब चैनल को डिलीट कैसे करें। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए चलो सबसे पहले हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उससे पहले आपको बता दूं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारी वीडियो को भी लाइक करें। तो सर्च का ऑप्शन के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लिख देना है youtube.com। तो चलो मैं youtube.com लिख देता हूँ। दोस्तों, youtube.com लिखने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। पास में आपको ऊपर सबसे लास्ट में 3 डॉट मिल जाएगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, मैं 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन, तो इस पे क्लिक कर देना है दोस्तों डेस्कटॉप साइट पे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, ये सर्च हो गया। तो दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे ऊपर लास्ट में आपको आपका लोगो दिखाई देगा, तो इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको लोगो मिल जाएगा आपका। ये मेरा लोगो जो डी नाम है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। कुछ इस तरह के इंटरफेस आने के बाद दोस्तों, आपको योर चैनल पे क्लिक करना है। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ, तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने लोगो पर क्लिक करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इसमें आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, सेटिंग के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने क्लिक कर दिया। दोस्तों, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, सबसे नीचे आपको यहाँ मिल जाएगा एडवांस सेटिंग। दोस्तों, एडवांस सेटिंग सबसे नीचे आपको मिल जाएगा लास्ट में, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एडवांस सेटिंग में क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिलीट चैनल। तो दोस्तों, डिलीट चैनल पे मैं चलो क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, डिलीट चैनल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो आपको पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों, चलो मैं जल्दी से इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया अपना। चलो अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। चलो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, जो आपको वो लाए सबसे पहले आई वांट टू हाइड माई चैनल। आप अगर अपना चैनल अगर डिलीट नहीं करना चाहते हैं, परमानेंटली हाइड करना चाहते हैं, तो आप हाइड भी कर सकते हैं। और सबसे नीचे ऑप्शन आपको मिल रहा है आई वांट टू परमानेंटली डिलीट माई चैनल। तो दोस्तों, अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो नीचे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे परमानेंटली अपना चैनल डिलीट करना है, तो मैं नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ परमिशन दी हुई हैं, जो आपके वो अल्लाह है। अगर आपकी डाटा जो वीडियो भी जो भी है, सारा डाटा वो डिलीट हो जाएगा, तो इसके लिए दोस्तों ये परमिशन मांग रहा है, तो मैं इसे परमिशन दे देता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ नीचे ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट माई कंटेंट। तो दोस्तों, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ डिलीट माई कंटेंट पर। दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा आपके सामने। दोस्तों, इस तरह का पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सबसे लास्ट में मिल जाएगा
डिलीट माई कंटेंट, दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये ईमेल एड्रेस डालने के लिए बोल रहा है, तो दोस्तों चलो मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। इसमें मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट माई कंटेंट, तो इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं हम। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा दोस्तों, इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिलीट हो चुका है, जिसमें लिख के आ गया रिमूव यूट्यूब कंटेंट। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।